ये है देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि माने वो जगह जहाँ दूर दूर तक देखने से ही लगे जैसे स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ के गढ़वाल हिमालय के पहाड़ इतने सुंदर हैं और एनर्जी ऐसी है कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे इन वादियों में बस जाओ और हमेशा बस यहाँ के नजारों को देखते रहो। और इसी स्वर्ग को महसूस करने के लिए मैं आया हूँ इस बार तैयारा बुक के आलोच। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। सो अभी हूँ मैं इस वक्त उत्तरकाशी में। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं। मैं जाने वाला हूँ इस बार एक और फेमस विंटर ट्रैक पे जो कि है दयारा बुग्याल। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। जो दयारा बुग्याल का ट्रैक है वो एक जगह है रायथल, वहाँ से शुरू होता है जो कि यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे है। सुबह सामान उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से और दिखाता हूँ आप लोगों को एक और ट्रैक पर आपके साथ। हम लोग निकल चुके हैं अब यहाँ से उत्तरकाशी से ट्रैक के लिए। मेरे साथ है सुमित, ये मुझे मिले थे क्वारी पास से मिले थे। उसके बाद हम अपना दूसरा ट्रैक कर रहे हैं। और मेरे साथ सुमी वाह सही है, सुमित तो सुमी नाम एक जैसे ही है। चलो बढ़िया है, अपनी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे। वो ये ट्रैक में हमें टोटल 3 दिन लगेंगे, जिसमें हम पहले दिन कैंप करेंगे गुई कैंप साइट पे, दूसरे दिन हम जाएंगे दयारा बुग्याल और तीसरे दिन बैक टू उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हुए गंगोत्री की तरफ भागीरथी नदी के किनारे का रास्ता बहुत खूबसूरत है और आपको गंगोत्री हाईवे छोड़ना है भटवाड़ी पहुँच के, तो ये कट याद रखना जहाँ से रायथल का रास्ता अलग होता है। मैं पहुंच चुका हूं रायथल विलेज। पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ के माउंटेन्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अभी तो ट्रैक की शुरुआत है, साथ में बने रहो, अभी इसके आगे तो और भी अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं आप लोगों को। हम शुरू कर रहे हैं अब अपना ट्रैक। ये है इसका गेट, ये देखिए आप लोग। इसी से पता लगता है कि 6 महीने से मैंने कोई ट्रैक नहीं किया है। 2 कदम चलाऊंगा मैं और थक गया हूँ, बट जनरली ट्रैक्स पे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा थकावट होती है, बट आधे घंटे में वो नॉर्मल हो जाता है। तो जब भी आप ट्रैक करें तो ये मैं सोचें कि स्टार्टिंग में थक गए, आप उसे कंटिन्यू रखें, आपको अपने आप नॉर्मल फील होने लगेगा। चलो बाकी की जर्नी दिखाता हूँ मैं आगे। देखो हर ट्रैक की तरह जो है हमें यहाँ भी अपने को ट्रैकर्स मिल गए हैं जो हमें पूरे रास्ते साथ में लेके जाएंगे, वो हैं ये लोग। ये देखिए आगे चलते हुए एक ही आगे एक वो, दोनों ही पूरे रास्ते जाएंगे। सो सिंस इट इज़ स्प्रिंग और फेब्रवरी में रोडोडेंड्रॉन्स मतलब ब्रांच के फूल आने लगते हैं उत्तराखंड में, तो इस ट्रेल पर भी आ गए हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। रायथल से गुई का ट्रैक काफ़ी इजी ग्रेड है, इसमें ना ज़्यादा स्टीप क्लाइम है और लगभग प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है, तो मैं इसे अभी काफ़ी आसानी से कर पा रहा हूँ और कोई भी जो ट्रैक करता है वो इसको इजीली कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे ज़रा सा भी डिफिकल्टी नहीं होगी ट्रैक करने में। कितना आ गए दलवीर भैया? अरे कैमरे के सामने आ रहे हो, ज़्यादा आ गए, आधे ज़्यादा आ गए। कैसा लग रहा है? दो चश्मे लगा के। बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है, हाई है ना, और व्यूज देख के तो और भी हाई हो गया, सुपर हाई। अभी ऊपर जाके इनको व्यूज दिखाते हैं। सुपर हाई बने रहिए। सुमी थके हुए? बहुत थक गए आधे में। चलो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट ट्रैक है। अभी देखो अच्छी वाली बार शुरू हो गई है, दोनों तरफ दिख रही है मैं, इधर भी है नीचे और उस तरफ भी है। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपनी फर्स्ट कैंप साइट गुई, और जैसे जैसे शाम हो रही है ये पीछे के व्यूज़ आर लुकिंग
अमेजिंग. ऑल तो ये वही पहाड़ है जो मैं नीचे से देखना शुरू हुए थे, बट हाँ वो आपने सुना होगा कि गोल्डन आवर्स में पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं, या तो मॉर्निंग में या शाम के वक्त. तो अगर सूरज रहते रहते मैं ऊपर पहुँचता हूँ तब मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया से शॉट्स दिखाऊँगा गोल्डन आवर्स के. मैं पहुंच चुका हूं गुई कैंप साइट पे और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंप साइट है. हम अभी कैंप सेटअप कर रहे हैं. पीछे पीछे जो व्यू दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. सो गुई कैंप साइट पे पहुंचने के बाद जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, यहां पे दो लेक्स भी हैं जो कि पूरी तरीके से फ्रोजन है अभी. ये देखिए अच्छा, आज का दिन एंड होने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ट्रैक में ना एक किचन टेंट बनता है जहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है. बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं ट्रैक में सिर्फ लैंडस्केप दिखाता हूँ, ये नहीं दिखाता हूँ कि खाना वगैरह कहाँ बनता है या किचन में खाना कैसा होता है. सो ये हमारा किचन टेंट. पीछे रावत भैया हमारे सोने के टेंट सेटअप कर रहे हैं. मैं कैमरा घुमा देता हूँ. ये देखो वहाँ सोने के टेंट हमारे लोगों के लिए स्लीपिंग बैग के साथ सेटअप किए जा रहे हैं. ये है किचन टेंट. ये हमारे भैया खाना बना रहे हैं अभी. अच्छा ये देखिए बर्फ पिघल रही है ताकि हम पानी पी सकें. बाकी मैं हम लोगों को थोड़ा सा जूम करके शॉट्स दिखाते हैं, फिर अगर होगा तो एक हाइपरलैप्स डालते हैं. फिर मिलते हैं कल सुबह. सो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है अभी और हम हैं अभी गुई कैंप साइट में. और अब यहाँ से निकलेंगे, हम जाएंगे दयारा बुग्याल और वहाँ पे जो वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है बकरिया टॉप और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ नाम है. तो वहाँ पे हम वहाँ तक जाएंगे. 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में. चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे का ट्रैक. ये देखो तो पानी वो कर रहा है, पानी के लिए बर्फ खाते हुए. और आप जाओ पानी भरो ऊपर. हाँ इस ट्रैक में पानी के सोर्स बहुत कम हैं, सो ये काफ़ी कॉमन है उत्तराखंड के किसी भी बुग्याल एज इन विडोज वाले ट्रैक में पानी के सोर्स कम ही रहते हैं. सो हमेशा जहाँ पे भी पानी का सोर्स मिले जस्ट अपनी बॉटल्स को रिफिल करते रहना चाहिए. विंटर ट्रैक वीकडेज में ऑफ सीजन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे मैं चल रहा हूँ इस ट्रेल पे अकेले अभी. सो आप मोस्टली ट्रेल पे अकेले होते हो तो बस नेचर को फील करो और चलते रहो. सो ये ट्रिक जो है गुई तक बहुत इजी था. हम करीब 6 किलोमीटर 3 घंटे में आ गए थे. गुई के बाद जहाँ से दयारा बुग्याल शुरू होता है वो करीब 2-2.5 किलोमीटर होगा, बट थोड़ा सा स्टीप है उसके बाद, तो टाइम लग रहा है हमें. बाकी अच्छा है अगर आप स्नो में आते हैं, क्योंकि इस बार कम गिरी है बर्फ़, तो कम है. अगर आप विंटर सीज़न में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जैन में बर्फ़ मिल सकती है यहाँ पे अगर बर्फ़ गिरेगी. और जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मेरे चंद्रशिला वाले ब्लॉग पे थे कि आप किस सीज़न में गए थे इतनी बर्फ़ है, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हो और आपको बर्फ़ कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी. तो ये सोच के मत जाना कि मैं गया हूँ मेरे वीडियो में बर्फ़ है तो आपको ही मिलेगी. हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, हो सकता है आपको ना मिले. सो बाकी दिखाता हूँ आगे का ट्रैक में.
हम पहुंच चुके हैं दयारा बुग्याल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब मैं कैमरा घुमाता हूँ अभी, ये देखो हमें सामने की तरफ वो बुग्याल दिखना शुरू हुए हैं। इस रास्ते से भी हमें ऊपर और जाना है, जो हमें टॉप है जहाँ हमें जाना है। बाकी यहाँ से पीक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये देखो आप। तो अभी ये है दयारा जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं, और बकरिया टॉप जो कि काफ़ी हाइट पे है। अभी एक घंटा लगेगा उस साइड में। देखो आपको ऊपर दिख रहा है ना कॉर्नर, उसके आगे है कहीं पे, तो वहाँ जाना है अभी हमें। ये ट्रैक इतनी खूबसूरत जगह पे है कि ये जो सारे पीक्स यहाँ से दिख रहे हैं, इसमें एक तरफ है बंदर पूंछ रेंज जहाँ से यमुना का ओरिजिन होता है, और दूसरी तरफ है गंगोत्री रेंज जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना भाई, व्यूज़ तो बहुत ही अल्टीमेट होते जा रहे हैं। मतलब अभी जितना इधर से चारों तरफ देखोगे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े बड़े गढ़वाल हिमालयस के माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। उत्तराखंड के बुग्यालों की खूबसूरती यही है जो आप लोग देख रहे हैं। इन बुग्यालों में विंटर्स में दूर दूर तक एंडलेस वाइट मेडोज दिखते हैं, और अगर समर्स होंगे तो यही ग्रीन मेडोज दिखेंगे। अब देखो कितनी कितनी बर्फ में हम पैर रख रहे हैं चलते हुए, है ना, ये देखो। So, थोड़ा सा ना ऐसे पाथ पे चलने में मुश्किल होता है जहाँ पे मतलब बर्फ हो और ऐसे एकदम नीचे ऐसे स्लोप की तरह जा रहा हो नीचे, थोड़ा सा डर रहता है स्लिप होने का। तो अगर आप लोग चलते हैं तो जस्ट बी केयरफुल, बाकी इट्स नॉट दैट मच रिस्की। इस तरीके का होता है, ये देखो आप, ऐसे ना स्लोप। देखो ये दिख रहा है ना इधर टॉप, इस तरफ ये, यहाँ जाना है अभी हमें ऊपर, है ना। चलते हैं धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर कहीं पे लगती है तो वो ऐसी ट्रेल में चलने में लगती है। तो जो नीचे मैंने जगह दिखाई थी जहाँ पे वो दयारा बुग्याल के स्टार्ट होता है, तो भैया भी बता रहे हैं कि वहाँ से वो टॉप जो है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है, तो इतना कम नहीं है वो, उसको कम मत समझना। और बर्फ में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना हमें 1.5 घंटा, कितना 2 घंटा हो गया ना वहाँ से, 3 घंटा लगता है कम से कम वहाँ से ऊपर तक जाने में अगर बर्फ है। Thank you.
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दयारा बुग्याल के एक टॉप पे। ये बकरिया टॉप तो नहीं है ये, लेकिन हाँ इधर सूर्या टॉप है, उस तरफ दिख रहा है बकरिया टॉप। और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ ड्रोन शॉट और 360 व्यू यहाँ से कैसा दिखती है। लेट्स गो फॉर इट। था एक और ट्रैक उत्तराखंड का, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम यहाँ तक आ पाए, क्योंकि जिस हिसाब से बर्फ पड़ी हुई है अभी उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और काफ़ी सुंदर ट्रैक है, मैंने लोगों से सुना इट्स यू नो कि दयारा इतना सुंदर नहीं है या वहाँ पे लोग आते नहीं हैं, बट मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ से, स्नो टाइम में मज़ा आ रहा है मुझे तो। खैर चारों तरफ पीक्स दिख रही हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी को अगर यू नो इजी टू मॉडरेट ग्रेड वाले ट्रैक करने हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और वो सब्सक्राइब वाला बटन है और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको वीडियो आते ही। रेस्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके देन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय विद एन अमेजिंग व्यू ऑफ बंदरपूछ रेंज। ये हमारे प्रो ट्रैकर, प्रो प्रो सुपर प्रो ट्रैक विद उत्कर्ष आईडी आप इनको जानते ही होंगे। हाँ, बैग वहीं रहने दे, छोड़ लें छोड़ लें, वीडियो डालते जिनसे उतरा नहीं जा रहा ट्रैक से। अब ठीक है तो निकल निकल।